गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्या है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। चलिए पढ़ते हैं आगे। जस्ट एज ए रेनबो इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड इज ब्यूटीफुल, जैसे रेनबो बहुत सारे कलर से मिलकर बना होता है और यह सुंदर होता है, आवर वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, उसी तरह हमारा संसार भी क्या है सुंदर है। बिकॉज ऑफ द वेराइटी इट पोजेज, क्योंकि इसमें बहुत सारा विभिन्नता बहुत सारे प्रकार के हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, और यह विविधता के कारण है। वी कैन ऑब्जर्व डाइवर्सिटी ऑल अराउंड अस, हम लोग डाइवर्सिटी देख सकते हैं अपने चारों ओर। इन द फूड वी, जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, जो फेस्टिवल मनाते हैं, इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं अबाउट द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बारे में। दैट वी सी इन इंडिया, इन आवर कंट्री इंडिया, जो हम अपने कंट्री इंडिया में देखते हैं। वी विल नाउ, अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पहला, व्हाट इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है। एवरी डे वी कम अक्रॉस पीपुल, हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं। हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस इन मेनी वेज, वो हमसे बहुत प्रकार से भिन्न होते हैं, वो हमसे देखने में भिन्न होते हैं, कल्चर में भिन्न होते हैं, और वह उनका फेस्टिवल अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। देखिए, आइडेंटिफाइंग डाइवर्सिटी, कैसे डाइवर्सिटी पता करें। वी कैन सी डाइवर्सिटी अमॉन्ग अस बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, हम लोग अपने बीच विविधता देख सकते हैं बहुत सारे रीजन से। डिफ्रेंशिएट इन फिजिकल करेक्टरिस्ट, वहाँ के फिजिकल करेक्टरिस्ट के कारण, करेक्टरिस्टिक्स के कारण, पर्सनल क्वालिटीज के कारण, कल्चरल बैकग्राउंड के कारण, और सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर के कारण। ये सब क्या है, मेन रीजन है डाइवर्सिटी को जानने का। अब आगे देखिए, इसका दिया फिजिकल डिफरेंस। इफ़ यू लुक अराउंड, अगर तुम देखते हो इनसाइड योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम के अंदर, यू विल नोटिस मेनी फिजिकल डिफरेंसेस, तुम नोटिस करोगे बहुत सारा फिजिकल डिफरेंसेस अमॉन्गस्ट योर सेल्फ, तुम खुद के सारे स्टूडेंट के बीच में। सम ऑफ यू आर टॉल, कुछ लंबे हो, कुछ छोटे हो, किसी का कर्ली हेयर है, किसी का स्ट्रेट हेयर है, किसी का ब्लैक आईज है, किसी का ब्राउन आई है। इस तरीके से क्या होता है, हम लोगों में भी विभिन्नता है। ऑल्सो सम एमोंग यू, उनमें से कुछ माइट बी डिफरेंट स्टेट, अलग स्टेट के हो सकते हैं। माइट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एट होम, वो घर में अलग भाषा बोल सकते हैं। यू माइट सेलिब्रेट, तुम लोग अलग अलग फेस्टिवल मनाते हो, अलग अलग भगवान की पूजा करते हो, अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ पहनते हो, एंड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के भोजन खाते। दीज आर सम ऑफ द फिजिकल डिफरेंस, या फिजिकल डिफरेंस दैट वी सी अमंगस्ट आवर सेल्व, जो हम अपने बीच देखते हैं। एंड दे कंट्रीब्यूट इन प्रोड्यूसिंग डाइवर्सिटी, और जिसके कारण क्या होता है, डाइवर्सिटी आता है, डाइवर्सिटी दिखता है। अगर यह सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस, इट इज नॉट जस्ट फिजिकल डिफरेंसेस बट मेनी सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी एमॉन्ग द पीपुल, केवल जो है फिजिकल डिफरेंस जो है डाइवर्सिटी नहीं करता है, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस के कारण भी क्या होता है, डाइवर्सिटी होता है। इंडिया में द एग्जिस्टेंस ऑफ रिजिड कास्ट सिस्टम, यहाँ पर क्या है, कास्ट सिस्टम है, जो यहाँ के सोशल और इकोनॉमिक सेट, इकोनॉमिक ढांचा बनाता है, इकोनॉमिक इसके बीच का डाइवर्सिटी उत्पन्न करता है। बिकॉज ए चाइल्ड बोर्न इन टू ए पार्टिकुलर कास्ट, यहाँ पे जो बच्चा जो कास्ट में पैदा होता है, उसे अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन मानने को कहा जाता है। देयर हैड नॉट बीन सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस कारण से इंडिया में बहुत सारे वर्ग का जो है क्या हुआ, विकास नहीं हो पाया। दिस इज टर्न प्रोड्यूस्ड वेरियस सोसाइटी प्रॉब्लम, इस कारण से बहुत सारा सोशल प्रॉब्लम हुआ। एज ऑफ नाउ द इंडियन कंट्रीब्यूशन हैज़ एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें क्या हुआ, अनटचेबिलिटी को, यानी अछूत, पहले होता था क्या, अगर कोई लो कास्ट रहता था उसे कुएं पे नहीं जाने दिया जाता था, मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, ये सब को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, हटाया गया। बट मेनी सोशल डिफरेंसेस, लेकिन बहुत सारा सोशल डिफरेंसेस स्टिल एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, अभी तक हमारे सोसाइटी में है। द काउज ऑफ विच कैन बी ट्रैक्ड इन टू कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम के अंतर्गत आता है। इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में, एंड ऑलमोस्ट एवरी वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में सभी जगह, वी फाइंड दैट व्हाइल सम पीपल आर वेरी रिच, जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, मेनी पीपल स्टिल कैन नॉट अफोर्ड द मीट बेसिक नीड्स लाइक, और जब बहुत सारा लोग क्या करते हैं, अपने बेसिक नीड जो होता है, फूड होता है, क्लॉथ होता है, शेल्टर होता है, मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं पा सकते हैं। दिस इज ए फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी, या असमानता का एक
विधि है या असमानता है विच हैड बीन ब्राउट अबाउट बाय इकोनॉमिक डिफरेंस, जो क्या इकोनॉमिक मतलब आर्थिक कारण से आया है। उसका डिफरेंस इन इंडिया बीइंग वास्ट कंट्री इट इज़ नेचुरल दैट, एक बड़ा कंट्री होने के कारण यह नेचुरल है, प्राकृतिक है, दैट इंडिया इज ए ऑल्सो ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया विविधताओं का धरती है। डाइवर्सिटी इन इंडिया कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ कल्चर, इंडिया में डाइवर्सिटी देखा जा सकता है कल्चर, ट्रेडिशन, कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज के फॉर्म में। इंडिया में बहुत सारा क्या लोग बहुत अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ पर लगभग 200 लैंग्वेज है और 1600 डायलेक्ट है, बोली है। हिंदी ग्रामर में आप लोग पढ़े थे लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या है, तो भाषा जो ऑफिशियल होता है और ये डायलेक्ट जो पार्टिकुलर एरिया में बोला जाता है। एज ऑलरेडी मेंशन अर्लियर, जो पहले दिखाया गया, इंडिया ए वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, दस इस प्रकार इट पोजेज ए वाइड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, यहाँ का ज्योग्राफिकल यानी यहाँ के एरिया में पे भी यहाँ डाइवर्सिटी आता है। भी फाइव मेजर फिजिकल डिवीज़न, जो आप लोग पढ़े होंगे पांच फिजिकल डिवीज़न भी हैं, दे आर ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ग्रेट माउंटेन वॉल, द इंडो गंगेस्टिक प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन, द डिजर्ट रीजन ऑफ द वेस्ट, वेस्ट का डिजर्ट रीजन, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। ये क्या है, पांच पार्ट में यहाँ के फिजिकल को बांटा गया है। आगे दिया, बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी इन द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में ये डिफरेंस के कारण इंडिया एक्सपीरियंस वेरिड क्लाइमेटिक एंड वेराइटी इन डाई, ड्रेस, कॉस्ट्यूम एंड कल्चर ऑफ पीपल। क्या इंडिया में जो है अलग प्रकार के क्लाइमेट, अलग अलग प्रकार के ड्रेस, कल्चर ये सब पाए जाते हैं। अर्लियर पहले द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पहले जो था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का उतना अच्छा साधन नहीं था। द वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल रिमेंड कन्फर्म टू पार्टिकुलर एरिया, इसीलिए पार्टिकुलर किसी भी एक व्यक्तिगत लोग जो होते थे वह एक ही एरिया में रहते थे, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर बातचीत नहीं कर पाते। दिस इंक्लूड कल्चर, लैंग्वेज, फूड हैबिट एंड इवन देयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इसके कारण क्या होता था उनका बोलने का तरीका, रहने का तरीका, खाने का तरीका, यह सब कुछ क्या था अलग अलग था। पीपल दस बिगेन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब पीपल लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करना स्टार्ट किए, फैक्टर जैसे कि वार, नेचुरल डिजास्टर में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू देयर लीडिंग टू अपीयरेंस मिक्स्ड कल्चर, तो उनका कल्चर क्या, वो एक जगह से दूसरे जगह जो गए उनका कल्चर जो मिक्स हो गया इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के अलग अलग पार्ट में। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इट मीन्स एवरी रिलीजन इज गिवन इक्वल रिस्पेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट एनी वन कैन फॉलो रिलीजन ही और सी प्रीफर्स, यानी इंडिया क्या है एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर हर रिलीजन को, हर धर्म को क्या क्या बराबर हक दिया जाता है। द मेजर रिलीजन फॉलोड इन इंडिया आर हिंदुज्म, यहाँ पर जो मेजर रिलीजन है, बड़े रिलीजन, वो हिंदुज्म है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चनिटी और जैनिज्म है। उसके बाद आगे, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ, डाइवर्सिटी के कारण हमारे लाइफ में क्या आता है। वी हैव लर्नड दैट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म इन इंडिया, हम लोगों ने पढ़ा डाइवर्सिटी क्या अलग अलग फॉर्म इंडिया में आता है। दिस एग्जिस्टेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी सो दैट, यह दिखाता है इस टाइप का डाइवर्सिटी, विविधता, सो दैट देयर हैड बीन ए मिक्सचर ऑफ वेरियस इन्फ्लुएंसेस इन इंडिया, इंडिया क्या है बहुत सारा चीज़ों, इंडिया में बहुत सारा चीज़ मिक्स है, मिला हुआ है। ए डाइवर्स सोसाइटी नेचुरल मिक्स, एक डाइवर्स सोसाइटी बनाता है इट्स इनहेबिटेंट टॉलरेंस टू ऑल काइंड ऑफ डिफरेंस दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटीज, हर प्रकार से सोसाइटी में रहना, हर चीज़ों को बर्दाश्त करना। वी हैव मैनी स्ट्रॉन्ग कल्चरल, रिलीजियस एंड रिलीजन डिफरेंट रीजनल डिफरेंसेस इन इंडिया, हम लोगों का जो है इंडिया में क्या है कल्चरल, रिलीजियस और ओरिजिनल डिफरेंस जो है वह हर एक का अपना अपना है और वह मजबूती से उसे अच्छी तरह पालन करते हैं। बट इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, यह हमेशा याद रखना चाहिए, नो मैटर हाउ डिफरेंट वी आर, हम लोग कितने भी एक दूसरे से अलग हो, वी ऑल आर इंडियंस, हम लोग सभी क्या हैं भारतीय हैं इन द फर्स्ट प्लेस, पहले सबसे पहले क्या हम लोग भारतीय हैं। इंडियन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया का सोसाइटी जो है वो क्या है यूनिक है, एक अलग पहचान रखता है क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है, विच इज एकोमोडेटेड बाय इट, जो किसके डाइवर्सिटी के कारण है। इंडिया हैव ऑलवेज एग्जिबिटेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वननेस, इंडिया हमेशा दिखाता है एकता का फीलिंग, एंड इट कैन स्टिल बी सीन टूडे, यह आज भी देखा जा सकता है।
द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज दस ए वेरी सुटेड टर्म फॉर इंडिया, यानी ये एक जो फ्रेज है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी अनेकता में एकता, यह इंडिया में अच्छी तरह दिखता है और इंडिया को सूट करता है। यह था आपका चैप्टर 1 सिविक्स का, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो दिया जाएगा आपको बनाना है। बाय, टेक केयर।